ICSI बोर्ड की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्रा सहर अनवर ने बरेली में अपने स्कूल सेंट मारिया गोरेट इंटर कॉलेज ही नहीं बल्कि जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करके अपने माता पिता का नाम रोशन कर दिखाया है। सहर अनवर से बात करने पर बताया कि उन्हें टीचरों का भरपूर सहयोग मिला है। इस सफलता के पीछे हमारे टीचर और सर्वाधिक साथ माता पिता का रहा है। इस उपलब्धि तक पहुंचने के लिए सहर अनवर ने सभी गुरुजनों और परिवार का आभार व्यक्त किया। छात्रा के पिता डॉक्टर अनवर हुसैन राजीव पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य हैं। माता स्कूल में अध्यापिका के रूप में अपनी सेवा दे रही हैं। हालांकि सहर अनवर जिस स्कूल में पिता प्रधानाचार्य हैं, उस स्कूल में पढ़ाई नहीं की है। स्कूल सेंट मारिया गोरेट इंटर कॉलेज बरेली टॉप करने के बाद माता पिता भी बेटी की इस उपलब्धि हासिल करने से फूले नहीं समा रहे हैं। जबकि एक छात्रा द्वारा जिले में स्कूल और माता पिता का नाम रोशन करने के साथ ही जिले में भी छात्रा की खूब चर्चा हो रही है और लोग छात्रा के साथ माता पिता को भी बधाई की शुभकामनाएं दे रहे हैं। जबकि सहर अनवर छात्रा का सपना एक डॉक्टर बनकर जनता की सेवा करने का है, वहीं छात्रा ने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए मेहनत और लगन से इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर बता दिया है कि अब उन्हें डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। परिवार में और स्कूल के समस्त स्टाफ में खुशी की लहर है, लोग मिठाई भी खिलाकर बधाई दे रहे हैं। मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम सहर अनवर है। मैम कहाँ पढ़ती हैं आप? मैं सेंट मारिया गोरेट इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ। कौन सी क्लास है? 10th क्लास में, अभी 11th में आई हूँ। मैम जो रिजल्ट आया उसका क्या रुझान रहा है? रिजल्ट तो काफी अच्छा था और काफी खुश भी हूँ रिजल्ट से, सेटिस्फाई भी हूँ, काफी अच्छा लग रहा है रिजल्ट आने के बाद। आपके क्या परसेंट? मेरी 98.20 परसेंटेज है। आपने एक लड़की होने के बाद भी आपने एक पूरे परिवार में एक नाम रोशन किया है, आपको कैसा फील हो रहा है? काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है कि घर में फैमिली में भी सब लोग बहुत खुश हैं और सारे रिलेटिव्स और टीचर्स भी सब लोग बहुत खुश हैं इस बात से, काफी प्राउड फील कर रहे हैं। जब भी रिजल्ट आउट होता है तो हालांकि वहाँ पे एक जश्न मनाया जाता है और आपके कॉलेज में ऐसा कहीं नहीं हो पाया, तो आपको ऐसा कैसे महसूस हो रहा है? इसका थोड़ा सा अफसोस है कि कॉलेज नहीं जा पाए, लेकिन फोन पे टीचर्स को बता दिया, सबसे बात हो गई, तो वो थोड़ा कवर अप हो गया, लेकिन वो मतलब खुशी वो जो स्कूल जाके होती है उसका थोड़ा अफसोस हो रहा है। अगर आपका स्कूल खुला होता तो आप कैसे लोग जश्न मनाते हैं? तो हम स्कूल जाते, सभी टीचर्स के साथ बात करते, उन्हें मिठाई भी खिलाते और सभी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते। आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है? मेरा फ्रेंड सर्कल लिमिटेड है, ज्यादा बड़ा नहीं है। आपने जो टॉप किया है उसके रिलेटिव जैसे क्या होता है, हर बच्चा एक मेहनत करता है, एक कोचिंग करता है, तो आपने कहीं कोचिंग पढ़ी है क्या? मैंने कोई कोचिंग नहीं करी, सेल्फ स्टडीज पे ही फोकस किया। आगे आपका क्या रुझान है? मेरा आगे MBBS करने का इरादा है। पापा जी क्या करते हैं? मम्मी पापा भी दोनों ही इस चीज से सहमत हैं। मम्मी पापा आपके क्या करते हैं? मेरे पापा प्रिंसिपल हैं और मम्मा टीचर हैं। कौन से स्कूल के? पापा राजू पब्लिक इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और मम्मा उसी में टीचर हैं। जो शिक्षा का मंदिर है जो कि राजू पब्लिक स्कूल है, तो काफी लोगों को उत्साह भी है और लोगों को जैसे क्या हो रहा है कि आजकल क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपका एक कॉलेज है, आपके पापा प्रिंसिपल हैं, उसके नाते तमाम लोग हैं ऐसे शुभकामनाएं भी देते होंगे, तो ऐसे में और लोगों का और जो यहाँ के जितना माहौल है उनका कैसा रवैया है? सब बहुत ही खुश हैं, सब लोग बहुत विशेष दे रहे हैं और यही कह रहे हैं कि आगे भी ऐसे ही करना, और काफी खुश है, मतलब वो बेसिकली काफी प्राउड फील कर रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर अनवर हुसैन। क्या करते हैं सर? मैं राजू पब्लिक इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ। सर आज जो आपकी लड़की ने टॉप किया है एक बरेली में भी, आपकी एक लड़की ने नाम रोशन किया, सर आपको कैसा अच्छा कैसा लग रहा है? इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, बहुत खुश है, परिवार खुश है, सभी के चाचा ताऊ नानिया में सभी लोग, काफी मोहल्ले के लोग रात से चश्मी मना रहे हैं, काफी खुशी है। अच्छा सर आगे आपका कैसा रवैया रहेगा? जिस बच्चे के ऊपर है वो आगे करता है, हमने तो उनको फ्री छोड़ दिया, जिस लाइन में जाना चाहती है, जो रुझान है वैसे इसका रुझान मेडिकल की तरफ है, हमारे तरफ तो पूरा सहयोग रहेगा। मैम आपका क्या नाम है? शाजिया अकबर। आज जो आपकी लड़की ने टॉप किया है आपको कैसा लग रहा है? जो आज लड़की ने टॉप किया है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बिल्कुल लग रहा है कि यही सोचा था मैंने इससे, ऐसा ही किया है इससे। जश्न का माहौल कैसा रहा है? जश्न का माहौल बहुत अच्छा रहा, पूरा परिवार सब बहुत खुश है, इसकी जो परसेंटेज आई है जो इसने टॉप किया है इससे सब बहुत खुश है। क्या करती हैं मैम आप? मैं
अपने स्कूल में ही मैनेजमेंट देती हूँ, राजू इंटर कॉलेज में।